नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि घर के अंदर परिवार में मनमुटाव क्यों होते हैं, आपस में झगड़े क्यों होते हैं, वास्तु शास्त्र के अनुसार किस किस दिशा में वास्तु दोष होने से घर में बेवजह के झगड़े होते हैं। कुछ ऐसी खास बात आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। आपको लगता है कि बंसल जी द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी सही है तो आप अपने यहाँ पर छोटे छोटे बदलाव करके अपने घर के मनमुटाव को कम कर सकते हैं, झगड़ों को कम कर सकते हैं। झगड़े कहाँ नहीं होते, हर घर के अंदर झगड़े हैं। वो झगड़े हल्के फुल्के हो तो चल जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं तो परिवार बिखर जाता है। घर में झगड़े हो तो पानी के बुलबुले की तरह हो, पत्थर की लकीर की तरह झगड़े नहीं होने चाहिए। आज मैं आपको ऐसी खास बात बताने जा रहा हूँ, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। आपका घर किसी भी दिशा का है, आपके घर के नॉर्थ ईस्ट जोन में, ईशान कोने में, यहाँ पर आपके अपनी किचन बनी हुई है, तो आपके घर के अंदर बेवजह के झगड़े होने के कारण बनेंगे। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, ईशान कोन, सॉफ्ट अर्थ, नर्म पृथ्वी तत्व का स्थान है और यहाँ पर जब अग्नि आ जाती है, ये हिस्सा गर्म हो जाता है तो घर के अंदर बेवजह के झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। जब भी परिवार इकट्ठा बैठता है तो 5-7-10 मिनट के अंदर ही उनकी आपस में तूतू मैं हो जाती है और हर व्यक्ति अपनी सीट से उठकर अपने अपने रूम में चला जाता है। आपके यहाँ ऐसा हो रहा है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपनी किचन को नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से ज़रूर बदलें। सेकेंड पॉइंट अब मैं बताना चाहूँगा आपको, आपके घर के साउथ ईस्ट में बेडरूम बना हुआ है और जो व्यक्ति यहाँ सोता है, हस्बैंड वाइफ यहाँ सोते हैं, तो उनके आपस में झगड़े होते हैं, बढ़िया वाले झगड़े होते हैं। आपके यहाँ ऐसा हो रहा है, आपके यहाँ झगड़े हो रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको ये रूम छोड़ देना चाहिए, इस रूम की बजाय आप दूसरे रूम में जाकर रहें। वास्तुशास्त्र के अनुसार साउथ ईस्ट जोन किचन का स्थान माना जाता है, साउथ ईस्ट जोन को अग्नि का स्थान माना जाता है, इसलिए यहाँ पर किचन बनानी चाहिए। जो व्यक्ति साउथ ईस्ट के रूम में सोता है वो हमेशा ही झगड़ालू होता है और ऊंची आवाज़ में बात करना पसंद करता है, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, बेडरूम साउथ ईस्ट जोन में नहीं बनाना चाहिए। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका रूम साउथ वेस्ट जोन में बना हुआ है और आपके रूम के साउथ वॉल पर दर्पण लगा हुआ है या वेस्ट वॉल पर दर्पण लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ है, लुकिंग मिरर लगा हुआ है, तो भी उस घर के अंदर बेवजह के झगड़े होते हैं। आपके यहाँ ऐसा हो रहा है तो मैं आपको कहना चाहूँगा, आप अपने रूम के साउथ वेस्ट में, साउथ की दीवार पर या वेस्ट की दीवार पर मिरर है तो उस मिरर को वहाँ से हटाएंगे तो आपको आपके झगड़ों से राहत जरूर मिलेगी। इसी के साथ मैं आपको एक खास बात और बताना चाहूँगा, हर घर के अंदर ध्यान रखना चाहिए, घर के जितने भी दरवाजे होते हैं, खिड़कियों के पल्ले होते हैं, उनके अंदर कब्जे लगे होते हैं, यदि उन कब्जों से आवाज़ आती है तो भी उस घर के अंदर हर व्यक्ति ऊंची आवाज़ में बात करना पसंद करता है। ऊंची आवाज़ में बात करने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति अपनी बात दूसरे व्यक्ति के ऊपर थोपने के लिए ऊंची आवाज़ में बात करता है। आपके यहाँ ऐसा हो रहा है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने घर के सभी दरवाज़ों को सही करें। कब्जे आवाज़ कर रहे हैं तो उनके अंदर मशीन का ऑयल, जो अपनी सिलाई मशीन होती है, उसका ऑयल डालेंगे तो आपके कब्जे स्मूथ हो जाएंगे, आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। दरवाजे फर्श के साथ रगड़ खाते हैं तो उन्हें भी सही जरूर कराएं। ऐसा करने से भी आपके घर का माहौल शांत हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा कि झगड़े हो तो पानी में बुलबुले की तरह, पत्थर की लकीर की तरह नहीं होने चाहिए। जो झगड़े पत्थर की लकीर की तरह होते हैं उसमें हमेशा ही दरार आ जाती है और वो रिश्ते दोबारा से नहीं बनते।
पानी के अंदर बुलबुला होता है तो वो फूट के पानी में ही वापस मिल जाता है। झगड़े ऐसे ही होने चाहिए। मैंने अपनी इस वीडियो में जो जानकारी दी है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। आपके यहाँ ऐसा हो रहा है तो आप अपने घर का माहौल ये छोटे छोटे उपाय करके सही कर सकते हैं। आप अपनी किसी भी साइट के प्रति हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं, और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं, और आप हमें अपने यहाँ साइट विज़िट के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो साइट विज़िट के लिए भी इन्वाइट कर सकते हैं। ये सभी सेवाएँ हमारी चार्जेबल होंगी, पेड होंगी। आप वास्तुशास्त्र में रुचि रखते हैं तो आप हमारी पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो इसे मंगवा सकते हैं। हमारी यह पुस्तक सिंपल सरल हिंदी भाषा में लिखी गई है, जिसे एक छोटा बच्चा भी पढ़ के आसानी से समझ सकता है, और हमारी इस पुस्तक के अंदर वास्तुशास्त्र के ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक लिखे हुए हैं जिसे आप पढ़कर समझकर अपने यहाँ अपनी समस्याओं का समाधान खुद भी कर सकते हैं। मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। मैंने अपने YouTube चैनल पर 380 प्लस वीडियो अपलोड की हुई है। आप मेरी वो सभी वीडियो देखकर भी अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं। मैं अपने हर एक वीडियो में आपको वास्तुशास्त्र की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, फिर भी कुछ पॉइंट्स ऐसे रह जाते हैं जिसके बारे में मैं आपको वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाता। आपके घर में मनमुटाव रहते हैं, झगड़े रहते हैं, और आपको कहीं से कहीं तक कोई रास्ता नज़र नहीं आता तो आप हमसे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान जरूर करें। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।